नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने अब तक बंगाल की कहानी को समझ लिया था, और पिछली क्लासों में हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध तक की पूरी कहानी को समझ लिया था। आज की क्लास में एक तो हमें बंगाल में द्वैध शासन को समझना है, जो डायर की बंगाल में आई थी उसको समझना है, और उसके बाद हमें एक पूरा विश्लेषण करना है और हमें ये डिस्कस करना है कि ये उपनिवेशवाद का दूसरा चरण भारतीय इतिहास में कैसे प्रारंभ होता है, जो कॉलोनियलिज्म है उसका सेकंड फेज इंडिया में कैसे स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास में एक तो हम बंगाल के द्वैध शासन के बारे में बात करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि भारत में किस प्रकार से जो उपनिवेशवाद है उसका दूसरा चरण प्रारंभ होता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो 2022 और 2021 के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। पूरे बैच कोर्स हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक बैच में कर सकते हैं। तो 2021 और 22 के लिए बैच कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करें। एक साल का सब्सक्रिप्शन 36,000 में है और दो साल का सब्सक्रिप्शन 43,200 में है। बस आपको मेरा कोड याद रखना है SGLive, SGLive कोड यूज़ करें और आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम ब्रिटिश सरकार और क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट और रीजनल पावर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले उपनिवेशवाद को समझा, हमने कॉलोनियलिज्म को समझा कि उपनिवेशवाद क्या होता है और किस तरह से अंग्रेज जितनी भी नीतियां भारत में लेकर के आएंगे उनके केंद्र में उपनिवेशवाद रहेगा, उनके सेंट्रल में आपको कॉलोनियल पावर ही देखने के लिए मिलेंगी और कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हमने बंगाल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया, हमने बंगाल के बारे में बहुत सारी बातें की, बंगाल के नवाबों के बारे में डिस्कशन किया, फिर पलासी के युद्ध के बारे में डिस्कशन किया, बक्सर के युद्ध के बारे में बात की, और अंततः आज हम द्वैध शासन की बात करेंगे और इसमें जो बंगाल वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। कल से हम मैसूर की बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर आंग्ल मराठा संघर्ष को हम देखेंगे, सिख के साथ जो अंग्रेजों का संघर्ष हुआ, पंजाब विजय उसके बारे में बात करेंगे और अवध की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट इन दी बंगाल और डायरकी इन दी बंगाल। तो द्वैध शासन में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है और बंगाल में जो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया उसका अर्थ क्या है और उसको किस प्रकार से हम एग्जाम में लिख सकते हैं और क्या क्या उसके निहितार्थ थे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध प्रशासन क्यों लाया गया, ऐसा क्यों नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव ने कि पूरी सत्ता स्वयं ही संचालित करते, क्यों उन्हें सत्ता संचालन के लिए एक दिखावटी नवाब की आवश्यकता थी, या फिर क्यों उन्हें राज करने के लिए या क्यों बंगाल में अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए उन्हें एक मुखर्टी की आवश्यकता थी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली का परिणाम क्या हुआ, इसके क्या क्या परिणाम हुए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वैध शासन प्रणाली का अंत कैसे हुआ, कैसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया गया, उसके बाद कैसे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जितनी भी अलग अलग ताकतें या अलग अलग क्षेत्र, माफ़ करें, अलग अलग क्षेत्र जो ब्रिटिश के पूरे भारत में थे वो बंगाल के गवर्नर चल के गवर्नर जनरल के तहत आ गए। और पांचवा पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और यूपीएससी के लिए अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो एक विश्लेषण आपको करते आना चाहिए। दूसरी बात है कि देखो, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक प्रकार क्या होता है कि आप चीजों के सबसे पहले उनको डीप में स्टडी करते हैं, उनके अंदर जाकर के उनका डीप में स्टडी करते हैं, उनको गहराई से उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन
यही इसी समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप चीजों को गहराई से पढ़ें, फिर वापस से आप छत पर खड़े होकर के चीजों को देखें और देखें कि जो चीजें आपने इतनी गहराई से स्टडी की हैं, जो अलग-अलग आपने चार पॉइंट पढ़े हैं, और जब इन्हें दूर खड़े होकर के आप देखेंगे और जब ये चारों पॉइंट आपको दिखाई देंगे, तो आखिर इनके बीच में रिलेशन क्या है, इन चारों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, और इससे किस प्रकार का नया एनालिसिस हम कर सकते हैं, कौन सी विचारधारा यहाँ पर काम कर रही है, किस प्रकार की समस्या यहाँ पर काम कर रही है, क्या कोई बहुत बड़ा प्रश्न या कोई बहुत बड़ा एक विचार यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे कि अंग्रेजों के पूरे शासन में आपको उपनिवेशवाद का विचार दिखाई देगा, आपको कॉलोनियल का विचार दिखाई देगा पूरे के पूरे शासन में, तो उसी तरह हमें चीजों को जोड़ना पड़ेगा। तो पांचवा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां हम उपनिवेशवाद के व्यापारिक चरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बंगाल में द्वैध शासन को और बात करते हैं कि आखिर द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हम यही डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर हम पीपीटी से चीज़ों को समझ लेंगे। पीपीटी है, पिछले लेक्चर के पीपीटी वर्ड के फॉर्म में मैंने आपको दिया था, लेकिन आज प्रॉपर एक पीपीटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कहानी आप सब लोग जानते हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। आप लोग जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था माफ करें, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और बंगाल जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। हालांकि यहां पर उन्होंने एक कठपुतली नवाब को बैठा के रखा था, तो वो कहानी भी हम जानते हैं। कठपुतली नवाब के रूप में सबसे पहले मीर जाफर को बैठाया गया और उसके बाद मीर कासिम को बैठाया। क्लियर? और मीर जाफर और मीर कासिमों को बहुत ज्यादा लूटा गया, इस हद तक लूटा गया कि ये कंपनी की दूसरी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसे का परिणाम क्या हुआ कि 1764 में अंततः एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 1764 में। बक्सर का युद्ध का परिणाम आप लोग जानते हैं कि इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और दूसरी ओर जो संघ था, जो फेडरेशन थी, जिसमें तीन लोग शामिल थे, जिसमें अवध का नवाब शुजा उद्दौला शामिल था, जिसमें मीर कासिम शामिल था और जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था। शाह आलम द्वितीय शामिल था। तो ये जो संघ है ये हार जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। और आप जानते हैं दोस्त कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है और दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को होती है। पहली संधि जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। जबकि जो दूसरी संधि है वो भी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के मध्य होती है। ये बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि यहां तक कहानी बढ़ चुकी है। किस प्रकार से पलासी का युद्ध हुआ, पलासी के युद्ध ने बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि को जन्म दिया। बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया तो उसमें एक और भारत की तीन प्रमुख बल आकर के लड़े, जिसमें खास तौर पर अवध और मुगल बादशाह शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अंततः एक सैनिक मुठभेड़ के द्वारा एक सैनिक युद्ध हुआ, क्योंकि पलासी का युद्ध हम सब जानते हैं एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया वो एक प्रॉपर आर्मी बैटल था। उसमें दोनों के पास आर्मी थी और दोनों ने एक दूसरे की आर्मी को टेस्ट किया। और जैसे ही बक्सर का युद्ध जीते तो इसे निर्णायक लड़ाई कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों ने अब पूरे उत्तर भारत को अपने सैन्य बल से परिचित करा दिया था और उन्हें अपनी आर्मी पावर से परिचित करा दिया था। और अब ये बात तय थी कि जो अगली बड़ी शक्ति उत्तर भारत या संपूर्ण भारत पर राज्य करने वाली है वो अंग्रेज ही होंगे। तो इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। 12 अगस्त 1765 को एक संधि होती है जो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है, और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है जो कि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के मध्य होती है। अब संधि की शर्तें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर एक संधि की शर्त हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है।
इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई, जो कि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, तो उसमें अंग्रेजों ने एक मांग रखी कि जो मुगल बादशाह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी अधिकार प्रदान करेगा। इन तीनों के जो दीवानी राइट्स हैं, मतलब कि टैक्सेशन राइट कह सकते हैं आप इसे, जो टैक्सेशन राइट हैं, जो कर संबंधी अधिकार हैं वो प्रदान करेगा। तो शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने जो संधि की, उस संधि में यही बात निकल करके आई कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान करेगा, कर संबंधी अधिकार प्रदान करेगा। अब 2 मिनट के लिए इस कहानी को यहाँ पर होल्ड करिएगा और समझिएगा कि ये दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है, फिर वापस से इस कहानी को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। क्लियर? तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इन चीजों का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्त, किसी भी प्रकार के शासन में सामान्यतः 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जनरली 2 प्रकार की चीजें किसी भी प्रकार के शासन में होती हैं। एक होते हैं निजामत के अधिकार और दूसरे होते हैं दीवानी अधिकार। ठीक है, निजामत राइट्स होते हैं और दूसरे कौन से राइट्स होते हैं? दीवानी राइट्स होते हैं। निजामत का अर्थ होता है प्रशासन। निजामत का अर्थ किससे होता है? प्रशासन से होता है। इसका अर्थ होता है गवर्नेंस। इसका अर्थ किससे होता है? गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। जबकि दीवानी अधिकारों का संबंध वित्तीय व्यवस्था से है, इसका संबंध फाइनेंशियल सिस्टम से है। और फाइनेंशियल सिस्टम में भी जब हम बात करते हैं, वित्त व्यवस्था में भी जब हम बात करते हैं, तो इसका संबंध कर प्रणाली से है। इसका संबंध किससे है? टैक्सेशन से है। और दीवानी अधिकार आपको ये बताते हैं कि कर कितना होगा। ठीक है, कितना कर वसूला जाएगा, कितने प्रतिशत उसकी दर होगी। ठीक है, कर कौन वसूलेगा ये भी यही बताता है कि कौन वो लोग होंगे जो टैक्स वसूल करने के लिए जाएंगे। ठीक है, कर कितना होगा, कर कौन वसूलेगा, किससे कर वसूला जाएगा और किससे नहीं वसूला जाएगा, मतलब किसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। ठीक है, ये सारे अधिकार इसमें आते हैं। मतलब पूरे के पूरे कर लगाने के अधिकार, या मैं ये कहूं कि जो पूरी की पूरी कर प्रणाली है वह दीवानी अधिकार के अंतर्गत आती है। और निजामत का मतलब होता है प्रशासन, गवर्नमेंट। निजामत का अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप सामान्यतः क्या करते हैं, दैनिक प्रशासन के कार्य इसमें आते हैं। इसमें न्याय विभाग आता है, इसमें जस्टिस सिस्टम भी आता है, इसमें जो आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, जैसे कि सड़क हो गया, दूसरा आपकी पुलिस हो गई, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? निजामत अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक अब 2 शब्द आपको क्लियर होंगे, एक आपको निजामत शब्द क्लियर होगा और दूसरा आपको दीवानी शब्द क्लियर होगा। अब वापस से हम अपनी कहानी को वहीं लेकर के चलते हैं जहां से हमने हमारी कहानी को शुरू किया। तो कहानी को हमने यहाँ पे खत्म किया था लास्ट टाइम कि जो इलाहाबाद की पहली संधि है उसके द्वारा मुगल बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के क्या प्रदान कर दिए? दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए। और आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दीवानी अधिकार का मतलब है यहाँ पर कर संबंधी अधिकार प्रदान कर दिए। और यही वो प्रोविजन था इलाहाबाद की संधि का, यही वो प्रोविजन था जिसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? द्वैध शासन की स्थापना। क्लियर? अगर हम इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था और यह 1772 तक कंटिन्यू हुआ। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया और 1772 तक यह जारी रहा, जब वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसे अंततः खत्म किया गया। तो द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन में बहुत सिंपल सी बात है, 2 लोगों के बीच अधिकार का होना। तो बंगाल में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का शासन अपने हाथों में नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि अब बंगाल पर वही रूल करेंगे, उन्होंने अब भी बंगाल में नवाब को रहने दिया। जैसा कि उन्होंने पलासी का युद्ध जीतने के बाद किया था, बंगाल में उन्होंने नवाब के द्वारा ही शासन किया था, खुद अपने हाथ में पूरे शासन की बागडोर नहीं ली थी। तो नवाब का पद है और दूसरी ओर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी ओर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है।
तो सत्ता में दो प्रकार के अधिकार होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। एक दीवानी अधिकार होते हैं, एक कौन से अधिकार होते हैं, एक दीवानी अधिकार होते हैं और एक निजामत के अधिकार होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैध प्रशासन के तहत यह किया दोस्त कि जो निजामत के अधिकार हैं, अर्थात जो गवर्नमेंट के राइट है, जो गवर्नमेंट ड्यूटी है या जो भी प्रशासन संबंधी कार्य हैं, वो सारे कार्य किसको सौंप दिए, नवाब को सौंप दिए। और नवाब को कहा कि हम आपको हर साल 53 लाख रुपए दिया करेंगे। हर साल कितने रुपए दिया करेंगे, हम हर साल आपको 53 लाख रुपए दिया करेंगे। इस 53 लाख रुपए में आपको पूरे के पूरे प्रशासन का काम करना है। यही व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चल रही थी। तो हम आपको 53 लाख रुपए प्रदान करेंगे और इस 53 लाख रुपए से आपको साल भर के प्रशासन का खर्च संभालना है। आपको पुलिस मेंटेन करना है, आपको जो वेलफेयर काम है वो करना है, आपको रूल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए यहाँ पर रखना है। ये काम किसको दे दिए, नवाब को दे दिए। लेकिन किसी भी शासन की जो रीढ़ की हड्डी होता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है दीवानी अधिकार। अब दीवानी का अर्थ अर्थात क्या है, फाइनेंशियल राइट। फाइनेंशियल राइट क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर आपको प्रशासन को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, दीवानी अधिकार जो थे, अर्थात कर वसूलने के जो पूरे के पूरे अधिकार थे, वो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे। अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे, क्लियर। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि इस समय अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल में इस समय नज्म उद्दौला का शासन था। किसका शासन था, इसमें नज्म उद्दौला इस समय बंगाल का नवाब बना हुआ था। तो इस व्यवस्था को कहा गया द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, फिर से समराइज करते हैं। द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा स्थापित एक शासन प्रणाली थी, जिसमें निजामत अर्थात प्रशासन संबंधी उत्तरदायित्व तो नवाब को सौंप दिए गए, लेकिन दीवानी अर्थात पूरे वित्तीय अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। तो आप समझिए ये कितना बुरा सिस्टम है। तो देखो, अंग्रेजों के पास ऑलरेडी क्या है, पूरे के पूरे दीवानी अधिकार है, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि देखो, हम अपने अंदर में गवर्नमेंट के भी पूरे अधिकार लेना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे अधिकार भी हमारे पास आना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक न्यू पोस्ट बनाई, उन्होंने एक न्यू पोस्ट बनाई, उन्होंने एक नया पद बनाया और उसे कहा जाता था नायाब सूबेदार। क्या कहा जाता था, उसे नायब सूबेदार कहा जाता था। कई जगह पर इसे डेप्यूटी डेप्यूटी नवाब भी कहा जाता था। उन्होंने एक नया पद बनाया नायब सूबेदार, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे डेप्यूटी नवाब भी कहा जाता था। अब नायब सूबेदार या डेप्यूटी नवाब की पोस्ट पर वही व्यक्ति आ सकता था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया हो, रिकमेंड किया हो। इस पोस्ट पर सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता था जिसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, नवाब से सिफारिश करती थी और नवाब क्या करता था, इस नई पोस्ट पर नियुक्ति करता था, क्योंकि नवाब के पास तो वैसे भी शक्तियां नहीं थी, वो एक कठपुतली नवाब ही था। तो उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई जिसका नाम था नायाब सूबेदार। क्या नाम था, जिसका नाम था नायाब सूबेदार। और इस पोस्ट के द्वारा उन्होंने पूरे निजामत के अधिकार भी, अर्थात गवर्नमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे राइट भी अपने कंट्रोल में कर लिए। तो ये कहने को तो द्वैध शासन था, कहने को तो द्वैध शासन था, क्योंकि जो मुखौटा था वो नवाब था। नवाब जो था वो प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व तो नवाब के ऊपर था। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब के ऊपर था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार भी अंग्रेजों के पास थे और दीवानी अधिकार तो उन्हें इलाहाबाद की पहली संधि के द्वारा मिल ही गए थे। तो ये थी बहुत खतरनाक द्वैध शासन की प्रणाली, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। 1765 में बंगाल में लागू की गई और 1772 तक ये बंगाल में चलती रही। तो आई विश आपको ये प्रणाली क्लियर हुई होगी। अब हम ये समझेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई। आइए पहले इसको पीपीटी में समझ लेते हैं।
तो बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात कर वसूलने के अधिकार प्राप्त कर लिए। अभी हमने डिस्कस किया था, इलाहाबाद की संधि के कारण बंगाल में 1765 में नवाब नजमुद्दौला के समय द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई, जो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा खत्म की गई। द्वैध शासन प्रणाली में प्रशासन अर्थात निजामत का दायित्व नवाब जबकि दीवानी अधिकार कंपनी को मिले। वही हमने डिस्कस किया कि पूरे फाइनेंशियल राइट कंपनी के पास थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के राइट थे वो एयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब को दे दी गई। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए एक नायाब सूबेदार का पद सृजित किया, जिसके द्वारा उसने नवाब की सारी शक्तियां नायाब सूबेदार को सौंप दी। प्रशासन और दीवानी अधिकार दोनों ही कंपनी के पास आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर भी अंग्रेजों को दीवानी अधिकार से उनकी लालसा पूरी नहीं हुई, उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकार थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट थे वो भी नायाब सूबेदार की नियुक्ति करके उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। मोहम्मद रजा खां को नायाब सूबेदार नियुक्त किया गया, जो नवाब की शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता था। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, परंतु दायित्व किसके पास था? नवाब के पास था, क्योंकि जो चेहरा दिखाया जा रहा था कि भैया नवाब ही शासन कर रहा है, तो लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे? नवाब को मान रहे थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यहां पर नवाब के पास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी, सारी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो अगला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, हर किसी के दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हमको समझ में आ गई, तो ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्यों? मतलब पलासी के युद्ध के बाद भी उन्होंने यही किया था, पलासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेज चाहते तो पूरा का पूरा शासन अपने हाथ में ले लेते, लेकिन वहां पर भी उन्होंने एक कठपुतली नवाब को बनाया। और बक्सर के युद्ध के बाद फिर वही कहानी दोहराई गई, इलाहाबाद की संधि के द्वारा वो चाहते तो खुद अपने हाथ में पूरे अधिकार ले लेते और किसी भी प्रकार की कठपुतली नवाब की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो अगला यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है हमारे सामने कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा दोस्त रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, चार पांच कारण है जिनको समझना होगा। सबसे पहला कारण जो आपको यहां पर याद रखना है कि इस समय जो अंग्रेज थे, जो सबसे बड़ा कारण है, अंग्रेज उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, और वो था टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ अर्जित कर। जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि ये उपनिवेशवादी कंपनी थी, ये एक कॉलोनियल कंपनी थी, और उपनिवेशवाद का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो यही है कि अधिक से अधिक आर्थिक लाभों को प्राप्त किया जाए, मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक वेल्थ को अर्न किया जाए। तो उनका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक क्या करो भैया, प्रॉफिट अर्न करो। मान लीजिए कि अगर वो ये प्रशासन अपने हाथों में ले लेते, अगर वो ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लेते, तो इससे दिक्कत ये हो जाती दोस्त कि क्या होता, उन्हें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती कि वहां पर जस्टिस सिस्टम कैसा है, वहां पर वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ काम हो रहा है कि नहीं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। तो उन्होंने निर्णय ये लिया कि देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नवाब के सर फोड़ देते हैं, और नवाब के सर भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फोड़ी, उन्होंने एक और पद बना दिया, नायाब का, ठीक है, या नायाब सूबेदार का उन्होंने एक पद बना दिया। तो इस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने यहां पर कठपुतली नवाब को बनाए रखा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, वो एक और सबसे बड़ा कारण ये था कि इस समय तक अंग्रेज जो थे वो उतने उतने काबिल नहीं थे, वो उतने योग्य नहीं थे। अब योग्यता का मतलब क्या है? योग्य होने का मतलब यहां पर यह है कि ना तो उनके पास यहां पर भारतीय प्रशासनिक योग्यता आई थी, ना तो उनके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी आई थी, ना तो उनके पास भारतीय प्रशासनिक योग्यता थी। वो अब भी ये नहीं जानते थे कि किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में प्रशासन करना है, क्योंकि भारतीय क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि यहां पर विविधता बहुत ज्यादा रही, शुरू से यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रही थी। तो उन्हें यह नहीं पता था कि हमें यहाँ पर रूल कैसे करना है, हमें यहाँ पर शासन कैसे करना है, ठीक है। भारत के बारे में दोस्त, ये सबसे अमेजिंग बात है जो दूसरी कंट्रीज को भारत के लिए सबसे अमेजिंग स्टडी बनाती है पॉलिटिकल साइंस का,
इंडिया में सबसे बड़ी बात यही है कि हम डाइवर्स कंट्री हैं, और हमारे जैसी डाइवर्स कंट्री पर कभी भी किसी यूरोपियन या वेस्टर्न पावर ने रूल किया ही नहीं है। ठीक है, वहां पर एक ही प्रजाति के लोग रहे हैं, एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहे हैं, तो उन्होंने विविधता से कभी डील नहीं किया था। तो एक तो उनके पास भारतीय प्रशासनिक योग्यता की कमी थी, एक तो उनके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो जो योग्यता होती है उसकी कमी थी, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी उनके पास अधिकारियों की कमी। ठीक है, अगर आपको एक प्रशासन चलाना है तो आपको अधिकारियों की आवश्यकता होगी, तो उस समय उनके पास अधिकारियों की कमी थी। तभी आप देखेंगे कि 1772 या 1773 तक जो कलेक्टर का पद होता था उस पद पर भारतीय ही काबिज थे, बाद में अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति उस पर की जाने लगी। तो दूसरा बड़ा कारण यही रहा कि अंग्रेजों के पास योग्यता का अभाव था, ना तो उनके पास भारतीय प्रशासनिक योग्यता थी कि किस प्रकार से भारत में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और दूसरी बात उनके पास अधिकारियों की भी कमी थी, उनके पास डिफिशियंसी थी ऑफिसर्स की। इसके अलावा तीन और चौथे भी कुछ कारण हैं जिनको समझना जरूरी है। तीसरा कारण ये था कि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि अगर ये प्रशासनिक काम उन्होंने अपने हाथों में ले लिया तो फिर पूरे के पूरे भारत में एक मैसेज सर्कुलेट होगा कि जो अंग्रेज हैं वो अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो अब सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब वो यहाँ पर प्रशासन कर रहे हैं, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को एक डर था कि ऐसा ना हो, ये खबर सुन के जो भारत में लगभग 200-300 रियासतें हुआ करती थी उस समय पे भी, तो ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं, अलग अलग रियासतें हैं, ऐसा ना हो कि ये सारे राज्य इकट्ठे हो जाएं। और जो हुआ भी, इस आकांक्षा का जो जिस आशंका थी जिस बात की, वो चीज हुई भी। 1857 की जब क्रांति होती है तो ये चीज अंग्रेजों को देखने के लिए भी मिलती है। तो उन्हें एक डर था कि अगर हम ये प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे भारत में एक संदेश चला जाए, और संदेश ऐसा हो जाए कि जो पूरी रियासतें हैं या अलग अलग राज्य हैं वो सारे राज्य एकजुट हो जाएं अंग्रेजों के विरुद्ध, और अंग्रेज को संभालना ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। और चौथी बात ये थी दोस्त यहां पर कि देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और इस कंपनी का संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था, जो कहां पर होते थे, जो लंदन में होते थे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो किसी भी क्षेत्रीय राजनीति में फंसे, और इस कारण से कंपनी के फाइनेंशियल लॉस हो। वो चाहते थे कि फाइनेंशियल लॉस ना होते हुए सिर्फ एक काम आप करें कि आप अपने फाइनेंस को मैक्सिमम करें, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करें, प्रशासन वगैरह में आपका काम नहीं है फंसना, आप यहां पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं, आप एक प्राइवेट कंपनी है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कीजिए, और दूसरे प्रकार के कार्यों में यहां पर लिप्त मत होइए। पांचवें कारण के रूप में यहां पर यह भी समझा जा सकता है, यहां पर यह भी समझा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में, कि अगर अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रशासन स्टार्ट कर दी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और अगर वो भारत में प्रशासन स्टार्ट कर देती, भारत में वो गवर्नेंस स्टार्ट कर देती, तो इससे क्या होता, जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश संसद है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका नियंत्रण कंपनी पर बढ़ सकता था, और उसका जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ सकता। और रॉबर्ट क्लाइव या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश संसद की नजरों में कंपनी आए और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़े, क्योंकि इससे कंपनी की जो फ्रीडम है वो खतरे में आ जाती। लेकिन इस चीज को वो रोक नहीं पाए। अंततः 1773 में जो ब्रिटिश संसद है उसने रेगुलेटिंग एक्ट पास करके जो कंपनी है उस पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। और छठवां कारण इसका यह रहा दोस्त कि इन्हें डर था कि जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां भारत में हैं वो विरोध ना कर दें, जो दूसरी यूरोपीय कंपनी भारत में है कहीं वो इस चीज का विरोध ना कर दें। तो इन छह कारणों की वजह से, अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक जो है वो योग्यता की कमी होना, दूसरी बात अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ को अर्जित करना था, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई प्रशासनिक बोझ बढ़े, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस बात की खबर सुनते भारत के पूरे राज्य एकत्रे होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दें। सीओडी का भी यही कहना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी यही कहना था कि भैया आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हो, आप प्रॉफिट को मैक्सिमम करो, अगर युद्ध वगैरह में आप उलझोगे, प्रशासन वगैरह में आप उलझोगे, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, और आपका काम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आप वहाँ पर व्यापार करने के लिए गए हैं, आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कीजिए और प्रॉफिट हमको ला करके दीजिए।
अगला कारण कि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश संसद की नजरों में कंपनी आ जाए, क्योंकि अगर एक बार ब्रिटिश संसद की नजरों में कंपनी आ जाती तो वो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती, और ये हमें देखने के लिए भी मिलता है। 1773 में ये रेगुलेशन प्रारंभ होते हैं, और देखिए सिर्फ मतलब कुछ ही समय में 1833 में जाके कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। 1813 में कंपनी के मैक्सिमम ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है, और अंततः 1858 में कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन मोनोपोली थी उसे भी खत्म कर दिया जाता है, और 1874 में कंपनी को ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये हमें देखने के लिए भी मिलता है कि जैसे ही ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कंपनी पर बढ़ता है, वैसे वैसे कंपनी जो डिमिनिश होना प्रारंभ हो जाती है। और छठवां कारण, यूरोपीय कंपनियों से विद्रोह का भी इनको डर था। तो यही वो कारण थे प्रमुख जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध प्रशासन को अपनाया गया इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रूल के प्रत्यक्ष प्रशासन करने। क्लियर? आइए इसको पीपीटी के फॉर्म में देख लेते हैं। सत्ता को खुले तौर पर अपने हाथों में लिए जाने से अन्य भारतीय शासक कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे, कंपनी को ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए, अन्य यूरोपीय कंपनियों के विरोध से बचने के लिए, कंपनी के पास प्रशासनिक अनुभव और प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्षेत्रीय अधिग्रहण की बजाय वित्तीय और व्यवसायिक लाभ में अधिक रुचि थी। तो ये प्रमुख आपके रीजंस हो जाएंगे। अच्छा, ये पीपीटी इंग्लिश में नहीं हो पाई है, पर आप परेशान मत होइएगा, जब मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा तो वो इंग्लिश में भी करूंगा, अगले बार से इंग्लिश में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? चलिए अब हमें ये डिस्कस करना है। हमने दो बातें डिस्कस कर ली। पहले हमने ये भी समझ लिया कि आखिरकार ये द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि द्वैध शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया, क्यों रॉबर्ट क्लाइव ने प्रत्यक्ष प्रशासन नहीं किया, डायरेक्ट रूल नहीं किया। अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने यह खड़ा हो जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली के परिणाम क्या हुए, क्योंकि जब तक हम इसके परिणामों को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इसे हटाया क्यों गया और भारत में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, और कैसे भारत में व्यापारिक उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ, कैसे इंडिया में जो ट्रेडिंग कॉलोनियलिज्म है उसकी शुरुआत हुई। तो समझते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो परिणाम को समझना बहुत आसान है। अगर आप इसके स्वरूप को समझ चुके हैं, अगर आप इसके नेचर को समझ चुके हैं, तो परिणाम आप अपने आप पता कर सकते हैं। स्वरूप क्या था? स्वरूप यही था कि कंपनी के हाथ में पूरी की पूरी वित्तीय शक्तियां थी, पूरी फाइनेंशियल पावर थी, और जो कर लगाने का काम है वो कंपनी किया करती थी। तो कंपनी के द्वारा चूंकि कर लगाने का काम किया जा रहा है, और कंपनी का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना, अधिकतम लाभ को कमाना। कंपनी का यहां पर उद्देश्य क्या है कि अधिकतम लाभ को कमाना, और कंपनी के द्वारा ही ये कर लगाया जा रहा है। ये टैक्सेशन किसके द्वारा लगाया जा रहा है? कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये क्या करते थे? ये भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करते थे, भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करते थे, और ये अधिकारी जाकर के किसानों के पास जाते थे, और किसानों से ये क्या वसूला करते थे? टैक्स वसूला करते थे, क्योंकि टैक्सेशन पावर किसके पास है? दीवानी अधिकार किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी अधिकार है। तो जब एक प्रशासक का पूरा उद्देश्य हो जाता है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं रहता, और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन से कोई मतलब नहीं था, और उन्होंने निजामत के पूरे अधिकार नवाब के सर फोड़े हुए थे। हालांकि वहां पर भी नवाब को वो काम नहीं करने देते थे, वहां पर भी उन्होंने एक नायब सूबेदार की नियुक्ति कर दी थी, जो वहां पर भी पूरे के पूरे भारत में समस्याएं खड़ी कर रहा था, पूरे बंगाल में समस्याएं खड़ी कर रहा था। तो जब आपका उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना होता है, तो जब आप कर लगाते हैं, तो जो कर है, कर की जो दर है, कर की दरों को बढ़ा दिया गया, रेट ऑफ टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया गया, और किसानों से बहुत अमानवीय तरीके से कर वसूले गए, बहुत इनह्यूमन तरीके से टैक्सेशन लिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। यहाँ पर फार्मर सुसाइड आपको देखने के लिए मिली। उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, उन्होंने किसानी करना बंद कर दिया, और किसानी छोड़ करके वो क्राइम, कई बहुत से लोग उसमें से क्राइम भी करने लगे, और वो डकैत वगैरह बन गए। क्लियर? तो इस तरह से भारत में किसानी का पतन हुआ। तो पहला सबसे बड़ा जो इसका दुष्प्रभाव हुआ वो था किसानों, किसानों पर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ, जो फार्मर्स थे। दूसरी दिक्कत, देखिए टैक्सेशन के अंदर आपके व्यापारिक कर भी आते हैं, जो आपके व्यापारिक कर होते हैं वो भी टैक्सेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स प्रणाली को इस हद तक खराब कर दिया कि भारत के जो कुटीर उद्योग थे, भारत की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, या जो बंगाल की कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो सारी कोलैप्स कर गई, और 80% से ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई।
कॉटेज इंडस्ट्री के तहत ही शिल्पी भी आते थे, शिल्पी भी इसी के अंतर्गत आते थे, जो हथकरघा उद्योग वगैरह थे वो भी सारे खत्म हो गए। तो किसानों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा, कुटीर उद्योग लगभग खत्म हो गया, जो भारत में शिल्प कला थी उस पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। क्लियर, ये तो हो गया भैया वित्तीय जो नुकसान देखने को हमको मिलते हैं। दूसरा जो इसका प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है प्रशासन। अब देखिए प्रशासन में अंग्रेजों के पास शक्ति तो है, अंग्रेजों के पास पावर तो है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट याद रखिएगा, अंग्रेजों के पास शक्ति तो है लेकिन उनके पास कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं है, उनके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अंग्रेजों के पास पूरी की पूरी शक्ति है लेकिन अंग्रेजों के पास किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, पूरी पावर उनके पास है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जिस कारण से क्या हुआ, पूरे का पूरा प्रशासन जो है वो अराजक हो गया, एनार्की आ गई पूरे के पूरे प्रशासन में, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा, किसी भी प्रकार का कानून, कोई भी किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती, किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। क्लियर, लॉ एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर यहां पर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। तो अगला आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि प्रशासनिक अराजकता, प्रशासनिक अराजकता आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन एनार्की देखने के लिए मिलती है। इससे क्या हुआ, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए, न्याय जैसी कोई चीज यहाँ पर रही नहीं, और लोग जो है वो बंगाल से पलायन कर, और बंगाल का यहाँ पर हराश प्रारंभ हो गया। तो जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुए भारतीय भारतीयों के लिए और बंगाल के लिए, बंगाल और भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान देखना पड़ा, और ये बहुत ही ज्यादा दुर्दशा इस प्रणाली की वजह से बंगाल की हुई। क्लियर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बंगाल में क्रिएट हुई। क्या क्या प्रॉब्लम हुई आइए उनको एक बार समझ लेते हैं। बंगाल में प्रशासनिक अराजकता, क्योंकि कंपनी के पास सारे अधिकार थे परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं था, नवाब के पास नाम मात्र के अधिकार थे। कंपनी का उद्देश्य अधिकतम राजस्व एकत्रित करना था, जिस कारण जमींदारों द्वारा कृषकों का अमानवीय शोषण किया गया, जनता का शोषण, क्योंकि एक ओर जनता के अधिकार खत्म हो गए और दूसरी ओर लूटपाट जैसी आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। बंगाल के कुटीर उद्योग और शिल्पियों पर दुष्प्रभाव, जिसका परिणाम क्या हुआ, बेरोजगारी, और इसका परिणाम पलायन भी हुआ, बेरोजगारी और पलायन इसका। तो हमने तीन बातें डिस्कस कर ली द्वैध शासन प्रणाली के बारे में। पहली बात कि आखिरकार ये क्या थी, इसका अर्थ क्या था। दूसरी बात हमने डिस्कस किया कि क्यों लाई गई ये प्रणाली, व्हाई दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। तीसरा हमने इसके प्रभाव डिस्कस कर लिए कि आखिरकार इसका इफेक्ट क्या था। अब चौथा पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि इसका अंत कैसे हुआ, आखिरकार इसे खत्म कैसे किया। अंततः द्वैध शासन प्रणाली के जो नुकसान है वो सामने आने लगे, और बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है जो हमने अभी देखे वो सामने आने लगे। ठीक है, तो 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को, जो वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का नया गवर्नर बनाया जाता है। बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है किसे, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है तो वो इस द्वैध शासन की व्यवस्था को खत्म कर देता है। वो क्या करता है, वो इस द्वैध शासन की व्यवस्था को खत्म कर देता है, वो इसे समाप्त कर देता है। अब फिर वही सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने जो बताया, जो बात हेस्टिंग ने बताई, उसने ये कहा कि देखिए द्वैध शासन प्रणाली के नकारात्मक प्रभावों के कारण, इसके नेगेटिव इफेक्ट के कारण हम क्या कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं। लेकिन इतिहासकारों ने विश्लेषण करके ये बताया है कि 1772 तक आते आते दूसरी कोई भी यूरोपीय शक्ति भारत में नहीं बची थी, दूसरी कोई भी यूरोपीय पावर भारत में नहीं बची थी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था या फिर एक बहुत बड़ा कारण था द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने का। दूसरी चीज, जो भारत में दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां थी उन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। तो एक और बड़ा कारण, देखिए बहुत ध्यान से इतिहास को करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी व्यवस्था को हटाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो ये लॉकडाउन क्यों है, क्योंकि कोरोना वायरस फैल सकता है, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। तो जब आप इसे हटाओगे, तो आप इसे कब हटाओगे, जब ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जब इन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस समय तक एक तो यूरोपीय शक्तियां भारत में नहीं बची हैं, कोई भी बड़ी यूरोपीय शक्ति है।
सारी यूरोपीय शक्तियां सरेंडर हो चुकी हैं, क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो ऑलमोस्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुकी हैं। तो अंग्रेजों के सामने ये दो बड़े खतरे अब टल चुके हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो एक तीसरी सबसे बड़ी वजह थी कि अंग्रेज यहां पर क्यों डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे, वो था उनके पास अनुभव की कमी होना, अनुभव और अधिकारियों की कमी होना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑफिशियल्स। तो इस समय तक आते आते, 1772 तक आते आते, जो अंग्रेज थे उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी आ चुका था, और उनके पास क्या आ चुका था साहब, उनके पास अब अधिकारी भी आ चुके थे। अंग्रेजों के भारतीयों के स्थान पर अंग्रेज करेक्टर अब भारत में देखने के लिए मिलेंगे। और जिस एक बात से वो डर रहे थे कि ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप ना करे, तो अंततः ब्रिटिश संसद के पास ये बात पहुँच गई और ब्रिटिश संसद ने इसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो वो सारे कारण यहाँ पर आ जाते हैं कि 1772 में वो सारी परिस्थितियाँ निर्मित हो चुकी हैं, जिन परिस्थितियों के कारण वॉरेन हेस्टिंग को द्वैत शासन की प्रणाली को खत्म करना पड़ेगा, जो डायार्की है उसको खत्म करना पड़ेगा। आई विश ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। आई थिंक दिस हैज टू बी क्लियर। क्लियर। तो 1772 में इस प्रणाली का 1772 में इस प्रणाली का अंत किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जो कि ब्रिटिश संसद का भारतीय मामलों में पहला हस्तक्षेप। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि ये कंपनी के द्वारा लाया गया था, तो ये गलत है, ये कंपनी के द्वारा नहीं लाया गया था, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली चीज कि ये कंपनी के मामलों में पहला हस्तक्षेप था, और दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का ये पहला हस्तक्षेप था। और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद बदल करके क्या बना दिया गया, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। उसे क्या बना दिया गया, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद चेंज करके उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। और जब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो भारत में मद्रास में इस समय अंग्रेज आ चुके थे, इस समय जो है वो बंबई में आ चुके थे, तो बंबई और मद्रास को भी किसके अंदर में ला दिया गया, बंगाल के अंदर में ला दिया गया। और यही वो समय था जब बंगाल, जो बंगाल है वो अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक केंद्र बन गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बन गया। और जो भी चीज राजधानी बनती है, एक प्रकार से इसे क्या कहेंगे, राजधानी बनती है, और जो भी चीज राजधानी बनती है वहां पर अपने आप शिक्षा वगैरह का विकास होने लगता है, एजुकेशन वगैरह प्रमोट होने लगती है, और वहीं पर आपको विद्रोह भी देखने के लिए मिलते हैं। अक्सर जंतर मंतर में हमको विद्रोह देखने के लिए मिल जाते हैं, और आईएएस की अधिकतर कोचिंग आपको मुखर्जी नगर में देखने के लिए मिल जाती है। तो यही शिक्षा और विद्रोह का गढ़ बना, और बंगाल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ, बंगाल से इंडिया के नेशनल मूवमेंट का सूत्रपात हमको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी द्वैध शासन प्रणाली के अंत की बात, ये थी द एंड ऑफ डायार्की इन दी बंगाल। आइए समझते हैं चीजों को। पहली बात, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस प्रणाली को समाप्त किया गया। दूसरी बात, इस व्यवस्था को समाप्त करने का आधार वॉरेन हेस्टिंग में द्वैत शासन के दोषों को बताया। हालांकि इसका प्रमुख कारण यह था कि अब कंपनी शासन का कार्यभार प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेने के काबिल हो गई थी। इस व्यवस्था को समाप्त करके कंपनी ने सारा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और नवाब को 16 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर मुक्त कर दिया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके तहत ब्रिटिश भारत का पूरा साम्राज्य आ गया। पांचवा पॉइंट, इस तरह बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी। दोस्त, इसी के साथ बंगाल की ये पूरी कहानी खत्म होती है, जिसे हमने 4 से 5 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कवर किया। सारे पहलुओं को हमने छुआ, सारे जितने भी पॉइंट और डायमेंशन बन सकते थे हमने कोशिश की कि सारे डायमेंशन को हम कवर करें। हमें क्या करना है, जो हमने ये अलग अलग कहानी पढ़ी, पलासी की युद्ध की कहानी, वहां पर हमने कर्नाटक के युद्धों की कहानी पढ़ी, फिर हमने बक्सर के युद्ध की कहानी पढ़ी, हमने द्वैध शासन की प्रणाली पढ़ी,
अब हमें इन चारों अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना है और जोड़ करके ये देखना है कि इससे कौन सी नई तस्वीर हमें देखने के लिए मिलती है, कौन सा नया पहलू इतिहास का हमें देखने के लिए मिलता है। तो इतिहास के इस पहलुओं का अध्ययन जब इतिहासकारों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ये भारत में उपनिवेशवाद के व्यापारिक चरण की शुरुआत थी, उपनिवेशवाद के व्यापारिक चरण की शुरुआत थी। तो इसका मतलब क्या था? देखिए, कहा जाता है कि अगर आप 1757 से लेकर के 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को भारत में देखें, प्रशासन को आप भारत में देखें, तो यहां पर कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है प्रशासन प्रशासन से बचना या प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचना, ठीक है, और अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना, अधिक से अधिक मात्रा में लाभ अर्जित करना। तो यहां पर दो काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो कंपनी क्या करेगी, प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचेगी, वो किसी भी प्रकार के बहुत बड़े प्रशासनिक कार्य नहीं करेगी, भारत में बहुत सारे सुधार आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट को यहां से अर्न करें। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे उपनिवेशवाद वाले लेक्चर को देखा है तो उसको रिकॉल करें, और उसको रिकॉल जब आप करोगे तो उसमें हमने क्या किया था कि उपनिवेशवाद के कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए। हमने क्या देखा था कि उपनिवेशवाद के कुछ फैक्टर देखे थे कि उपनिवेशवाद को किस तरीके से भारत में प्रमोट किया जाता। तो जैसे कि हमने देखा था कि राजनीतिक रूप से किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, पॉलिटिकली कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो 1757 से 1813 के बीच में, 1757 से लेकर के 1813 के बीच में इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्यवाद को जारी रखा, इन्होंने क्या किया, अपने इंपीरियलिज्म को जारी रखा, और इसके लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, घेरी की नीति अपनाई। घेरी की नीति उन्होंने अपनाई जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सहायक संधि। कौन सी नीति अपनाई, सहायक संधि जैसी व्यवस्था को अपना करके उन्होंने लगातार अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया। दूसरी बात, अगर आप प्रशासनिक सुधारों की बात करें, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात करें, तो नहीं, इस जमाने में बिल्कुल बहुत सीमित, अत्यधिक सीमित प्रशासनिक सुधार किए गए, जितने भी किए गए वो खुद के लिए किए गए, वो स्वयं के लिए किए। तो प्रशासनिक सुधार भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते। आर्थिक नीति कैसे रही, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रही, इस समय पर आर्थिक नीति क्या रहेगी, तो आर्थिक नीति रहेगी अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, और इस मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में क्या हो गया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी दुर्दशा हो गई, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से शोषण किया गया, बहुत भयंकर तरीके से हमारी वेल्थ को ब्रिटेन के लिए ड्रेन किया, भयंकर शोषण हुआ इस पर्टिकुलर फेज में। क्योंकि यहां पर आपको याद रखना है कि जो इससे पहले भारत में शासन हुआ, मुगल वगैरह भारत में आए तो वो भारत में रह गए और उन्होंने भारत को अपना घर बनाया, और घर बनाने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहां से पैसा नहीं कमाया, उन्होंने भारत के रिफॉर्म के लिए काम किया, लेकिन अंग्रेजों का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य यहां पर है, वो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कह रहे हैं। चौथा पॉइंट कि सामाजिक नीति कैसी रही, सोशल पॉलिसी कैसी रही, तो सामाजिक नीति में अहस्तक्षेप, कौन सी नीति इन्होंने अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, इन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। जो भारत में सामाजिक ढांचा चल रहा था, ना वर्ण व्यवस्था से इन्होंने छेड़खानी की, ना जाति व्यवस्था से छेड़खानी की, ना सती प्रथा से छेड़खानी की, ना दहेज प्रथा, ना बाल विवाह, किसी भी प्रकार की किसी भी सामाजिक नीति के साथ इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, और वहां पर उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की पूरी नीति उन्होंने यहां पर अपनाई। और पांचवा पॉइंट आता है कि सांस्कृतिक रूप से ये क्या कर रहे थे, कल्चरली ये क्या कर रहे थे। तो सांस्कृतिक रूप से इस समय एक विचारधारा आएगी, वो है प्राच्यवादी विचारधारा, ये पढ़ेंगे आप लोग बाद में, प्राच्यवादी विचारधारा जिसे ओरिएंटलिस्ट अप्रोच कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इतिहास की ओरिएंटलिस्ट अप्रोच कहा जाता है, जिसे इतिहास की प्राच्यवादी विचारधारा कहा जाता है। प्राच्यवादी
प्राच्यवादी विचारधारा इतिहास लेखन का एक ऐसा माध्यम है, हिस्ट्री को लिखने का, इतिहास को लिखने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या किया जाता है दोस्त, जिसमें इतिहास का पूरा लेखन ये बताने के लिए किया गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो ईस्टर्न कंट्रीज पर कब्जा किया गया वो कब्जा नहीं था, वो बेसिकली ईस्टर्न कंट्रीज के वेलफेयर के लिए एक डिसीजन था। ठीक है, तो प्राच्यवादी विचारधारा क्या बताती है? प्राच्यवादी विचारधारा में पश्चिमी देशों के द्वारा जो पूर्वी देशों पर उपनिवेशवाद स्थापित किया गया उसे सही बताने की कोशिश की जाती है, उसे जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है। तो ये पांच चीजें आपको 1757 से 1813 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। बंगाल का पूरा एनालिसिस यहां पर खत्म होता है, किस तरह से बंगाल एक सोने की चिड़िया थी, किस तरह से अंग्रेजों ने उसे बिल्कुल कंगाल बना दिया, क्यों अंग्रेज बंगाल आए, किस प्रकार की गतिविधियां हुई, तो हमने पूरी सारी की सारी घटनाएं यहां पर डिस्कस कर ली। ब्लैक होल की घटना भी डिस्कस की, प्लासी के युद्ध का डिस्कशन किया, दस्तक के प्रयोग को हमने समझा। अब एक बात मैं ये मैं अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको यहां पर दे रहा हूं, मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में हम प्लासी और बक्सर को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं कि ये निर्णयकारी घटनाएं रही हैं, जो सच भी है। लेकिन सबसे बड़ी निर्णयकारी घटना जो मुझे लगता है 1717 में दस्तक थी। क्या थी? दस्तक थी। 1717 में जो दस्तक प्रारंभ किया गया था, जो शाही फरमान फरुख शियर के द्वारा दिया गया, वही शाही फरमान आधार बना था प्लासी के युद्ध का, वही शाही फरमान आधार बना था 1764 के बक्सर के युद्ध का, और उसी के कारण भारत में उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण ये प्रारंभ हुआ। तो आई विश आपको ये बंगाल की कहानी समझ आई होगी, आई विश कि ये टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा, एंड थिंग्स विल बी आई थिंक क्लियर। ठीक है, और अब का अगले लेक्चर से हम मैसूर की बात करेंगे, लगभग 3 लेक्चर में हम मैसूर की कहानी को भी खत्म करेंगे। आइए इसको पीपीटी के रूप में देख लेते हैं, आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लासी के युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसे इतिहासकार उपनिवेशवाद के व्यापारिक चरण के रूप में परिभाषित करते हैं। अब कंपनी का उद्देश्य कम से कम उत्तरदायित्व तथा अधिक से अधिक राजस्व संग्रह था, जिस हेतु उन्होंने निम्नलिखित नीति का पालन किया। राजनीति में घेरे की नीति और सहायक संधि का पालन किया। प्रशासनिक नीति में सीमित सुधार व उत्तरदायित्व रहित था ये। आर्थिक नीति में अधिक से अधिक राजस्व वसूली, भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्याधिक बुरा हाल। सामाजिक नीति अहस्तक्षेपकारी रही और सांस्कृतिक नीति प्राच्यवादी रही, ओरिएंटलिस्ट रही, जिसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत पश्चिम द्वारा 18वीं और 19वीं सदी के दौरान स्वयं को केंद्र में रखकर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए पूर्वी संस्कृतियों की स्थावर संरचना बनाई गई। तो दोस्त इसी के साथ हमारा ये अध्याय खत्म होता है, और इसी के साथ बंगाल के बारे में सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे उपनिवेशवाद के बारे में, और इसी को लेकर के हम अगले टॉपिक। थैंक यू सो मच, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाएं, शुभम गुप्ता पीडीएफ, जो टेलीग्राम पर है। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 21 और 22 दोनों के लिए कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SG10। इस कोड को यूज़ करें और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।